स्वान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया हुआ सवाल, नन ऑफ टू गर्ल्स। ओके जी, अगर गलती यहाँ पे तो आंसर ये होगा हु आर प्रेजेंट अपीयर टू बी इंक्लाइंड। ओके जी, टू लिसन टू सेम एडवाइस। जनाब अब देखो, एरर डिटेक्शन कोई मुश्किल नहीं है अगर मेरे फार्मूले को यूटिलाइज करो। या तो एरर ए में होगा या बी में, सी में, डी में, और बस अब नन ऑफ देम का भी ऑप्शन होता है, यानी ई नो एरर। तो यहाँ पहले देखो क्या एरर की इब्तदा हो सकता है, शुरू में मिल जाए नन ऑफ टू गर्ल्स। कितनी लड़कियों की बात हो रही है? टू लड़कियों। और वर्ड क्या दिया हुआ है? नन। याद रहे, दो के लिए नाइदर का वर्ड यूज होता है। नन की बात हम तब करते हैं जब दो से ज़्यादा की बात हो। तो भाई एरर यहीं शुरू में मिल गया, नन की जगह या नाइदर होना चाहिए था। देखो आपको करेक्ट नहीं करना, सेंटेंस करेक्शन एक अलग होती है। ये जो जमे सवाल आया था बतौर एरर डिटेक्शन आया था, यानी ऑप्शन ए में गलती है, बी में, सी में, डी में, तो धैर्य ए में गलती है। लेकिन धैर्य में आपको बता भी रहा हूँ कि क्यों है और रीज़न क्या है कि भाई अगर अच्छा फ़र्ज़ करो या थ्री या फोर का होता, फोर गर्ल्स और नाइदर होता, तब भी गलत था, फिर नन आना चाहिए था। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा होती तो।